नमस्कार, मीडिया विजिट में आपका स्वागत है। महेश श्रीवास, इस समय हम वाराणसी में हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ से चुनाव महागठबंधन से सपा, बसपा और रालो महागठबंधन से चुनाव लड़ रही हैं सानवी यादव जी, वो हमारे साथ हैं। सानवी जी, आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप पहले कांग्रेस में और कुछ ही समय पहले आपने समाजवादी पार्टी में, तो दो विचारधाराओं का डिफरेंसेस है, तो उसे कैसे आप डील करेंगी और चुनाव? देखिए, विचारधाराओं का डिफरेंस की बात डील करने के लिए है, मेरा छोड़ने का कारण ये रहा कि जो विचारधारा थी पार्टी की जिसमें मैं जुड़ी थी और जिसमें मेरी 40 साल के परिवार की लेगेसी रही है, उस विचारधारा में से अब कंफर्टेबल नहीं थी मैं कहीं ना कहीं। अब वहाँ पे क्योंकि आपने देखा है शीर्ष नेतृत्व वहाँ चेंज हुआ है, तो चेंज होने के बाद से अब जो पार्टी की जो विचारधारा थी उससे अलग कथनी और करनी में फ़र्क देखते हैं, तो वही कारण रहा कि मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। विचारधारा मेरी जो है वो आप जानती ही हैं कि मैं बाबू श्यामलाल यादव जी की बहू हूँ और उनका एक लंबा कार्यकाल पार्टी के लिए, जनता के लिए इस क्षेत्र से रहा है, और उन्होंने आजीवन आम जनता और गरीबों की लड़ाई, उनके सम्मान की, उनके हक की लड़ी। तो आज उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर के चलने में मेरी भी सबसे पहले यही जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि मैं उनकी नीतियों सिद्धांत पर चलूँ, जो मुझे अब इस पार्टी में रह करके कर पाना संभव लग रहा है। जैसे अभी आपने अपने ससुर जी का नाम लिया और उन्हीं की विरासत को, राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे, तो कांग्रेस ही रहे तो ब्लेस्ड। अब सवाल ये है कि उन जैसे आपकी पहचान सिर्फ 2017 से है, जब आपने यहाँ पे नगर निगम का चुनाव लड़ा, उसके पहले कोई राजनीतिक और बहुत कम पहचान, और यहाँ पे एक उम्मीदवार जो विपक्ष में दो उम्मीदवार हम कहें, एक कांग्रेस के अजय राय जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आप दोनों बहुत बड़े नाम फेम वगैरह थे, और उनसे कम्पीट आपको करना है, तो इसके लिए आप कैसी रणनीति समझते हैं कि क्या आप उन कम्पीट कर पाएंगे या ऐसा कुछ हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात की तो उनकी बात तो उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन महागठबंधन अपना प्रत्याशी घोषित करता है, और प्रियंका जी का जिनका नाम एक महीने से चल रहा था, लगभग मीडिया ने तय कर दिया था कि वही लड़ने वाली है, और वो अपने पैर पीछे खींच लेती है, तो ये गठबंधन की ताकत का असर था कि उन्होंने मैदान छोड़ दिया यहाँ से। दूसरा बात, आपने कहा कि एक बड़ा नाम अजय राय जी का आपने लिया, अभी तो डेफिनेटली बड़े सम्मानित हैं, वो मेरे पारिवारिक सदस्य की तरह हैं, बड़ा उनका सम्मान करती हूँ, बड़े भाई के समान। लेकिन राजनीति की बात अगर आप करें तो उन्होंने बनारस से दो बार प्रतिनिधित्व का किया है, उन्होंने मेरे ख्याल से बनारस की जनता ने उनको शायद रिजेक्ट कर दिया जो भी कारण। तो चुनौती की जो बात आपने कही वो सिर्फ और सिर्फ गठबंधन और भाजपा के बीच में है, जहाँ तक आप बड़ा नाम बड़ा चेहरे की बात करते हैं तो ये बनारस की धरती बड़ी ऐतिहासिक धरती है और बड़े ऐतिहासिक फैसले इसने दिए हैं। शायद आपको याद हो कि राजनारायण जी जो नहीं के थे वो किसी एक दूसरे प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जा करके पैदल और रिक्शे से चल करके झोला टांग करके चलते थे, और उन्होंने उन प्रधानमंत्री को परास्त करने का कार्य किया था। उस समय में भी इंदिरा गांधी जी की रैली में 5 लाख से लोग कम नहीं रहा करते, उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में काफी डिफरेंसेस आए हैं, और यहाँ पे बाहुबली और पैसे के खास राजनीति में देखा जाता है। आपने चेहरे की बात की, आपने बड़े नाम की बात की, क्या कभी सोच सकते थे कि इंदिरा गांधी जी भी हारी हराई जा सकती, कोई नहीं सोच सकता था, और वो भी एक साधारण से बनारस के एक शख्सियत से। तो ये ऐसे ही सपूतों की धरती है, राजनारायण जी हो गए, संपूर्णानंद जी हो गए, राजशेखर जी हो गए, टी एन सिंह जी हो गए, कमलापति त्रिपाठी जी हो गए, मेरे ससुर स्वर्गीय बाबू श्यामलाल यादव जी हो गए, तो ये सभी देखिए यहीं के सपूत थे, और इनके पास कोई, जो आपने धन और बाहुबल की बात की, इनके पास कोई धन नहीं था, इनके पास जो था तो बस सादगी, अखड़ी और पकड़ी, यही था इनका सब कुछ। और एक चीज़ जो इनकी कॉमन थी सभी इन लोगों को, वो यही थी कि उस समय के जो अपने इनके समय के जो लोग सत्ता का घमंड करने वाले लोग थे उन्हें इन लोगों ने परास्त किया। महागठबंधन में जब खासतौर समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन किया और आपको टिकट मिला, तो आपका स्वागत कहें एक ढंग से कि बड़ा विवादों के साथ हुआ, टिकट मिलता है फिर तेज बहादुर जी को पार्टी दे देती है, मान ली भोजा खाई फिर आप आ जाती हैं, लेकिन इस क्रम में आपको टिकट मिलने के बाद पार्टी में भी मनमुटाव कुछ नेताओं में,
तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये मनमुटाव और ये जो बात आप कर रहे हैं, ये कोई इसी पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी में है, और कोई भी पार्टी इससे परे नहीं है। वो सब स्वाभाविक है, व्यवहारिक है, राजनीति में हर जगह ऐसा है। रही बात कि आपको अपने कुछ फैसले शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ने होते हैं, पार्टी की नीति के अनुसार चलना होता है। जब आपको आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, पार्टी ने इतना बड़ा एक मजबूत संगठन महागठबंधन के रूप में एक विकल्प भाजपा का ऐसा बना दिया कि दिया है आपको, जिसके चलते आज पूरे देश में ये चर्चा है कि अगर भाजपा को किसी ने रोका है तो महागठबंधन ने रोका है। और तो जब आपको इतनी मजबूती से उन्होंने आपको मेन फाइट में आज ला दिया है यहाँ पे, तो आपको उनके आगे के भी निर्णय का सम्मान करना होगा और उसके साथ खड़ा होना होगा। आपके वरिष्ठ नेता पार्टी के सुरेंद्र पटेल जी, और वो एकदम, मैंने अभी इंटरव्यू किया था, आज मेरा लगा हुआ भी हमारे यहाँ, तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो आपका प्रचार नहीं करेंगे, बनारस में प्रचार नहीं करेंगे, जबकि स्टार प्रचारक है पार्टी के, और एकदम क्लियर कट उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं गए और नोटा का अपील कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, सुरेंद्र पटेल जी पार्टी के बड़े ही वरिष्ठ सम्मानित नेता हैं, पार्टी के लिए बड़ा उनका योगदान रहा है। मैं खुद बड़ी उनके शुरू से प्रशंसक रही हूँ, और पार्टी में आने के बाद तो मेरा पहला ही एम है कि मैं उनके ही नेतृत्व में काम कर रही हूँ और करूँगी, और नाम प्रथम आगमन पर पार्टी में शामिल होने के बाद मैं सबसे पहले उन्हीं से आशीर्वाद लेने गई थी, और उस उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के ही मैं चुनाव के उसमें उतरी। मैं यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझसे बात कही थी कि आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप चुनाव लड़ें, और मैंने भी उनको ये बात का पूरा आश्वस्त किया था कि अगर कहीं ना कहीं अनजाने में भी अगर मेरा नाम आता है, मैं अगर कारण हूँ आपकी नाराजगी का, तो मैं आपके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास चलने के लिए तैयार हूँ, और मैं अपनी दावेदारी, अब मैंने टिकट की मांग कभी नहीं की, ये सब राष्ट्र पार्टी का निर्णय था, और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं तैयार हूँ, ये बात आप मुझे उनसे सामने बैठ के करवा सकते हैं। अच्छा, आप भाजपा के जो उसकी राजनीति है, हिंदुत्व की और सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की जैसे कहते हैं, तो उससे आप कैसे लड़ेंगे, सबको की आज सबसे बड़ी चुनौती देश में? देखिए, जैसे ही महागठबंधन ये बनता है उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा कि इसके बनते ही सबसे पहला जो काम हुआ वो भाजपा का जो हिंदुत्व का एजेंडा था वो फेल हो जाता है। आप पूछेंगे कैसे, कि देखिए, जो आपकी ये धार्मिक यात्राएं हैं और आस्था है, आप चाहे पंचकोशी यात्रा ले लें, आप चाहे ये सावन की हमारी कांवरिया यात्रा ले लें, तो इसमें ये लोग, ये यात्रा करने वाले, इसमें आस्था करने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद जिनकी रहती है वो पिछड़े और दलित ही होते हैं। किंतु आज इस 5 साल में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं और जो सबसे ज़्यादा जिनका आप कहेंगे कि उत्पीड़न हुआ, वो यही लोग थे, और यही कारण था कि ये गठबंधन जनता का गठबंधन था, और जो हमारा कभी सोच नहीं सकते थे वो लोग एक साथ जुड़ करके एक गठबंधन के फॉर्म में एक मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, और यही कारण है कि आज इनका ये हिंदुत्व का मुद्दा फेल हो गया। वाराणसी का अक्सर चुनाव, लोकसभा चुनाव यहाँ पे ध्रुवीकरण पे हो जाए, हिंदू मुसलमान बना मुसलमान हो जाता है, और इस बार भी ऐसा ही लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि अतीक अहमद को ने यहाँ पे निर्दलीय रूप में पर्चा भर दिया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बार बार बनारस की जनता बड़ी ही पॉलिटिकली जागरूक है, और उसने जितने भी आप उसके पुराने निर्णय ले लें तो वही तय करती है, कोई बाहरी नहीं तय कर पाता इसको कि उसका क्या एजेंडा होगा। आप 2004 में ले लें, राजेश मिश्रा जी INC से सांसद चुने जाते हैं, 2009 में नया चेहरा थे लेकिन जनता ने पसंद किया, और 2009 में वो नकार दिए जाते हैं। मुख्तार अंसारी जो बसपा से आते हैं, लेकिन और ये भी है कि बसपा का शहर में कोई खास प्रेजेंस नहीं है, लेकिन मात्र 17,000 वोटों से मुरली मनोहर जोशी से हारते हैं। 2014 की बात ले लें, अरविंद केजरीवाल, बनारस से कोई लेना देना नहीं, ना पहले ना बाद में, लेकिन सारे लोग उनको जो है 2 लाख से ऊपर का वोट देकर के उनको मेन फाइट में लेके आते हैं। तो ये बनारस की जनता डिसाइड करती है कि उसका कैंडिडेट कौन होगा, उसके प्रत्याशी को देख करके, और उसने जिस तरीके का प्रयोग हर चुनाव में किया है, और सभी धर्म और सभी जाति के लोग शायद एक साथ जुड़ते हैं, और तभी वो उसको मेन फाइट में डिसाइड करके एक तय करते हैं, पहले 2 का तय करते हैं और उसके बाद फिर 1 को तय करते हैं। लेकिन दोनों चुनाव के हम देखें तो उसमें जीत नहीं हुई,
हालांकि उस वेले मुख्तार अजहर को ध्रुवीकरण ही माना जाता है एडमिशन, तो इस बार के आप कैसे मामला लगे थे कि आप जीत जाएंगे? इसलिए कि हमेशा तो एक एक सांसद के लिए लड़ाई होती थी, इस बार बनारस ने अपने सांसद को प्रधानमंत्री भी बनाया और ये उम्मीद थी बनारस की जनता को कि और किसी के अच्छे दिन आए चाहे ना आए, लेकिन काशी के दिन अच्छे जरूर आए। लेकिन आज आप देखिए, आज यहाँ की जनता पीने के पानी के लिए, सीवर ओवर फ्रेक्चर के लिए, नियमित कूड़े उठान और निस्तारण के लिए, गंगा की दुर्दशा के लिए, जाम और प्रदूषण के लिए, और बुनकरों की और हमारे सारी व्यवसाय की बर्बादी के लिए, और क्योटो बनाए जाने के नाम पर, हमारे बाबा विश्वनाथ क्षेत्र के मंदिरों का विध्वंस किए जाने के नाम पर, आज वो इन्हीं अपनी बेसिक मूल जो एक अधिकार होता है किसी भी नागरिक का, आप विकास की बात तो पीछे छोड़ें, उसके लिए जूझ रहे हैं प्रधानमंत्री का होने के बावजूद। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार चुनौती उतनी ज़्यादा है, मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनौती उतनी है कि वो यहाँ से प्रधानमंत्री थे, वो कितनी बार यहाँ आए हैं और कितनी एक्सेस उन्होंने जनता को दी है। आज एक आम आदमी, आज एक आम बनारस का नागरिक उनसे मिल नहीं सकता है। हमने अजय राय जी का भी इंटरव्यू किया था, तो उस समय तेज बहादुर को जब सपोर्ट हुआ पार्टी टिकट दे गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आपकी राजनीतिक हत्या कर देगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अजय राय जी मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, उनका मेरे परिवार से बहुत पुराना संबंध है, बड़े भाई के समान है और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। लेकिन जब आप राजनीति की बात करें और उनके इस बयान की बात करें, तो मैं याद दिलाना चाहूँगी कि देखिए, पूर्वांचल की जो राजनीति है वो बनारस की भी खासतौर से, वो मेनली पुरुष वर्चस्व की है। यहाँ पर महिला, एक महिला होने के नाते, वो भी पिछड़ी जाति की महिला होने के नाते, एक साधारण रहनी होने के नाते, महिलाएं बड़ी ही सॉफ्ट टारगेट रहती हैं और राजनीति में विशेष। तो मैं अगर कोई निर्णय लेती हूँ अपना, तो वो धोखेबाजी कहा जाता है, वो स्वार्थ का वो निर्णय कहा जाता है। लेकिन यही निर्णय अगर कोई पुरुष लेता है, तो वो उसका बड़ा ही सफल और राजनीतिक निर्णय बताया जाता है। मैं उन्हीं के बारे में अगर बताऊं कि 2009 में जब उन्होंने जिस पार्टी से वो चार बार विधायक रहे थे, मंत्री रहे थे, बहुत मान सम्मान उन्हें वहाँ मिला था, और शायद उसके बाद से जब वो यहाँ आए हैं, दूसरी पार्टियों में मेरे ख्याल से हर पार्टी में वो जा चुके हैं, जिस पार्टी में गए हैं उसके बाद से आप देखिए, 2009 के बाद से आज 2019 तक वो सिर्फ एक हारे हुए विधायक ही, और मुझे लगता है कि राजनीतिक मंथन उन्हें करने की ज़रूरत है कि उन्हें जिस पार्टी में इतना सम्मान मिला था, उसे छोड़ने के बाद वो जहाँ भी आए वो भी सब पार्टी में घूम चुके हैं। तो वो मेरे ख्याल से उनको इस पर सोचना चाहिए कि उनका राजनीतिक निर्णय कैसा रहा और उनका